गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट नंबर 10, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 7. चैप्टर 7, एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स. टू मशीन्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसफॉर्मर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मिल ही जाता है मोस्टली, ऐसा नहीं होता कि ये इस बार आएगा. मतलब किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आ जाता है, इसका पावर इन एसी सर्किट किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाता है. व्हाट इज द पावर इन एसी सर्किट? पावर इन एसी सर्किट क्या होती है? पावर, आंसर है कि पावर जो होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट. हम क्या कहेंगे? रेट, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. हमने किसकी बात करी? एनर्जी की. एनर्जी यानी कि W अपॉन T. T टाइम हो गया, W. दिस वन इज द एवरेज पावर. व्हाट इज दिस एवरेज पावर? 1 अपॉन T EI dt. दिस इज द एवरेज पावर. कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में? हम कहेंगे कंप्लीट वन साइकिल तक हम इसको कंसिडर करेंगे. तो व्हाट इज कंप्लीट वन साइकिल? यानी कि 1 अपॉन T 0 to T, ये ध्यान रखना. दिस इज वन इज पावर. ओके, तो पावर हमें समझ में आई कि पावर क्या होती है. अगर ये टी लिया है मैंने तो वी हैव टू टेक इट ऑल्सो टी. इस तरीके से हम करते हैं. दिस वन इज द टाइम पीरियड. और क्या कह सकते हैं हम पावर को? पावर का दूसरा हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF एंड इंस्टेंटेनियस करंट. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस EMF? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T एंड इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T. नाउ पावर P इज इक्वल टू E इंटू I. ये हमारी पावर है. तो दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, ई नॉट साइन. अब ये थोड़ा सा इसको समझिएगा. हाँ, यहाँ पर जो हम सर्किट कंसिडर कर रहे हैं वो कंबाइंड है. मीन्स वो उसमें हमारा जो है कैपेसिटर भी है. LCR सर्किट को लेके कर रहे हैं हम, कंप्लीट LCR सर्किट को. पावर इन AC सर्किट में कंप्लीट LCR सर्किट को लेते हैं. फिर अलग अलग वे में हम कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अक्रॉस पावर देख लेंगे. एवरेज पावर दो के अक्रॉस तो जीरो ही होती है. तो यहाँ पर इसको कंप्लीट लेते हैं LCR सर्किट. ओमेगा T माइनस फाइ, द फेज एंगल इज फाइ बिटवीन वेन करंट एंड वोल्टेज वेन एवर वी विल टेक द कंबाइंड इफेक्ट. तो ई नॉट साइन ओमेगा T इंटू आई नॉट साइन ओमेगा T माइनस फाइ, राइट. तो इसको सेपरेट करके लिखते हैं, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा T एंड साइन ओमेगा T. साइन ए माइनस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. दिस आइडेंटिटी विल बी यूज हियर. साइन ए, व्हाट इज साइन ए? साइन ओमेगा T कॉस बी यानी कि कॉस फाइ माइनस कॉस ओमेगा T इंटू साइन फाइ. दिस वन इज द आइडेंटिटी. दिस मल्टीप्लाई इन साइड तो इट विल बिकम ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा T कॉस फाइ माइनस कॉस ओमेगा T साइन ओमेगा T साइन फाइ. ये बड़ा फाइ की बात करेंगे हम यहाँ पर. फाइ क्या है इसको हम एंगल को डिफाइन करेंगे पावर फैक्टर की फॉर्म में, जिसको हम कॉस फाइ की फॉर्म में यहाँ पर लेते हैं. तो ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा T कॉस फाइ. तो साइन स्क्वायर ओमेगा T को क्या लिख सकते हैं हम? ये हम
पहले भी कर चुके हैं, जब हम ये एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कर रहे थे तब हम कर चुके हैं इसको। तो 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये देखिए ये होती है आइडेंटिटी, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, राइट। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा इधर, तो 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, ये ध्यान रखना है हमें साइन 2 थीटा। 2 देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया था तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ये हम यहाँ पर कर लेते हैं 2 साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 थीटा का मतलब साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। ओके स्टूडेंट, तो कॉस फाई का मल्टीप्लाई इधर कीजिए इसमें। देखिए मैं इसको और शॉर्ट में करा सकता हूँ बट मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर आपको, वो डायरेक्ट हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव ट्रिक है वो, राइट। तो पी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई, राइट, फिर साथ में माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। ये भी एक आइडेंटिटी बन गई, इसमें यहाँ पे यार माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ए क्या है यहाँ पर 2 ओमेगा टी और बी क्या है यहाँ पर 5, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, कोस ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देयर फोर कोस ए माइनस बी, तो आंसर आएगा कोस ए कॉस बी, ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक माइनस साइन ए साइन बी। अब हम ए किसको लेके चल रहे हैं यहाँ पर 2 ओमेगा टी को, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ई नॉट अपॉन आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये कॉस ए माइनस फाई, दिस इज द फॉर्मूला, ई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। स्टूडेंट ये आई हमारी पी, अब हम बात करेंगे एवरेज पावर की, व्हाट इज एवरेज पावर, पी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू, ये जो पी कहेंगे या फिर हम कहेंगे ई नॉट आई, मतलब ई इंटू आई, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई आई डी टी 0 टू टी, तो ई आई की वैल्यू क्या है यानी कि पी की वैल्यू एवरेज पावर के लिए, तो 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, राइट, ये वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर। अब इस वैल्यू को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बाहर ले लेते हैं हम, ई नॉट आई नॉट 2 टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस फाई डी टी, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई 0 टू टी डी टी। अगर मैं इस टर्म्स को अलग से इंटीग्रेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी, 0, इस टर्म्स को इसकी वैल्यू 0 आएगी, और ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 टी, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं कॉस फाई को, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई, हम कॉस फाई की बात कर रहे हैं, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, आंसर है ये तो वेरिएबल है ही नहीं तो यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में होगा, तो इसको करते हैं कॉस, ये इसका इंटीग्रेशन जब मैं सॉल्व करूँगा इसको इट विल बिकम 0। ओके, तो कॉस फाई कॉन्स्टेंट टर्म टी का हमने किया 0 टू टी, तो इट विल बिकम टी एंड माइनस 0, राइट, तो टी से टी कैंसिल हुआ, तो ई नॉट अपॉन रूट टू, आई कैन राइट लाइक दिस, ई नॉट अपॉन रूट टू कॉस फाई, व्हाट इज दिस कॉस फाई, आंसर है दिस कॉस फाई इज कॉल्ड
पावर फैक्टर, अभी इसको भी बताता हूँ। तो ई नॉट बाय रूट टू यानी कि ई आर एम एस इंटू आई नॉट रूट टू आई आर एम एस कॉस फाइव, दिस इज एवरेज पावर। इस टू को मैंने टू डिवाइड कर दिया टू पार्ट में, ई नॉट के नीचे रूट टू, आई नॉट के न्यूमरेटर में रूट टू, तो ये हुआ हमारा ई आर एम एस आई आर एम एस। ये कॉस फाइव क्या चीज़ है, देखा होगा आपने, ये जब हमने इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाया था ये वाला, ठीक है ना, ये एंगल फाई था, ठीक है ना, ये जेड था और ये आर था, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज आर अपॉन जेड, दिस इज कोस फाई। वॉट इज दिस कोस फाई, दिस कोस फाई इज पावर फैक्टर। तो वॉट इज पावर फैक्टर, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। क्या है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, दिस विल बी फॉर द एल सी आर सर्किट। किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ये एल सी आर सर्किट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। कह रहे हैं हम कॉस फाइव, वॉट इज कॉस फाइव, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस, ये भी हम बोल सकते हैं। वॉट इज पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। अब यहाँ पर थोड़ा समझना आप कि ये हमारी वैल्यू आई है कॉस फाइव की, अब इसको थोड़ा सा हम और अलग वे में लेते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर कॉस फाई, कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड इज कॉल्ड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर दिस इज इम्पिडेंस। तो अब पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन करोगे, पावर फैक्टर फाई डिफाइन करेगा इसको, पावर फैक्टर एंगल डिफाइन करेगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। व्हाट इज दिस पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द टोटल रेजिस्टेंस, या फिर कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एल सी आर सर्किट, दैट इज नॉन एज पावर फैक्टर। अब हमने ये कंबाइंड देख लिया यहाँ पर, अब हम प्योर रेजिस्टेंस के लिए पावर देखेंगे कितनी होगी हमारी, हम प्योर जो है कैपेसिटेंस के लिए। तो पहला केस है हमारा पावर, पी एवरेज फॉर प्योर रेजिस्टेंस, बस एक डेरिवेशन कर लीजिएगा फिर आगे आपको यह समझाना है। यहां से रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में फाई, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बिटवीन एंगल कितना होता है, जीरो, कितना एंगल होता है, जीरो। तो पावर क्या हो जाएगी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, आर एम एस कॉस फाई वन के इक्वल हो जाएगा, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है ना। तो आई आर एम एस को क्या लिख सकते हो आप, ई आर एम एस अपॉन आर, सो इट विल बिकम ई आर एम एस अपॉन आर स्क्वायर। नंबर टू, बस एक और रह गया, पी एवरेज फॉर प्योर इंडक्टिव, इंडक्टिव के केस में हमने क्या देखा कि फाई 90 डिग्री होता है, कैपेसिटिव के केस में भी, इसमें पीछे रहता है और उसमें आगे, ओके। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस पाई बाई टू, दैट इज इक्वल टू जीरो। थर्ड केस क्या हुआ हमारा, पी एवरेज फॉर प्योर कैपेसिटेंस, इसके केस में भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो पी एवरेज जीरो। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट द एवरेज पावर इन केस ऑफ कैपेसिटर या फिर इंडक्टर्स विल बी जीरो, इन दैट केस वॉट यू टू डू, यू हैव टू डू फाइंड आउट दिस फॉर्मूला टिल हेयर एंड पुट द वैल्यू ऑफ फाइ, वी नो दैट द फाइ इन केस ऑफ रेजिस्टेंस इज जीरो, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस दैट इज पाई बाई टू और 90 डिग्री, दोनों एक ही बात है। इन केस ऑफ फाइ इज इक्वल टू पाई बाई टू, द कोस फाइ यानी कि कोस 90 विल बी जीरो, तो दैट्स वाई द पावर इन केस ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट विल बी जीरो। तो स्टूडेंट ये था हमारा पावर। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज एल सी ऑसिलेशन। अब हमारा जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ये आपका ई एम वेव, बिफोर दैट वी हैव टू नॉलेज अबाउट एल सी ऑसिलेशन। जब तक हमें ऑसिलेशन की नॉलेज नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, तो वी कॉन्ट अंडरस्टैंड बेटर वेव, वेव को हम नहीं समझ पाएंगे। वही हमारा एल सी ऑसिलेशन हमें समझाता है कि एक्चुअली एल सी ऑसिलेशन इज़ द मेन सोर्स टू जनरेटिंग द ई एम वेव।
ये EM वेव को बनाता ही LC ऑसिलेशन है। जब हम किसी सिग्नल को हम डायल करते हैं, नंबर डायल किया हमने, आफ्टर डायलिंग द नंबर द सिग्नल गेट जनरेटेड, आफ्टर जनरेटिंग द सिग्नल इट विल ट्रेवल, तो हाउ मच दिस सिग्नल गेट एनर्जी, दैट्स वाई इट कैन ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस, दैट इज LC ऑसिलेशन। इन दिस LC ऑसिलेशन वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट फॉर द different different situation, whenever the capacitor charge, whenever the capacitor discharge, so tomorrow we will discuss about it, and the student you have to do some of the numerical related to the topic, that is power and LCR circuit, ek question isse pooch liya jata hai, to aap NCERT se ye question kijiyega to definitely koi na koi question bani jayega aapse exam mein। सो स्टूडेंट इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।